आज का जो हम टॉपिक है वो कवर करेंगे किस तरह हम यूआई लगा सकते हैं इमेजेस की। अगर कोई हमने यूआई इमेजेस की लगानी हो तो वो हम किस तरह किसी गेम किसी सीन के अंदर, अपनी गेम के अंदर यूआई लगा सकते हैं। ठीक है, हमने जो पहले चीज़ें कवर कर ली हैं उसमें से हमने इस पे वीडियो से पहले हमें पता चल गया कि अगर यूनिटी में हमने यूआई लगानी हो तो एक कैनवस कंपोनेंट लगाना पड़ता है। कैनवस के कंपोनेंट के अंदर हमें उसके चाइल्ड में, अगर हमने जो अभी काम किया वो एक था बटन हमने लगाया था, ठीक है, और एक बटन था, एक हमने टेक्स्ट लगाना सीख लिया था। तब बटन में हमने उसके टेक्स्ट में हमें पता था कि किस तरह हम टेक्स्ट को हम चेंज कर सकते हैं। एक टेक्स्ट कंपोनेंट होता है उसके अंदर, और टेक्स्ट उसके अंदर हम पास कर लेते हैं, और अगर हमने उसके ज़रिए चेंज करना हो टेक्स्ट स्क्रिप्ट के ज़रिए, तो हमें कोई भी कंपोनेंट लेना, अगर यूआई कंपोनेंट कोई भी लेना है तो उसके लिए हम यह लाइब्रेरी यूज़ करते थे, यूनिटी इंजन डॉट यूआई करके एक लाइब्रेरी यूज़ करते थे। उसके ज़रिए हम टेक्स्ट उसकी टाइप होती थी, और उसके कोई डॉट टेक्स्ट उसको जो भी डॉट टेक्स्ट करके आगे हम जो भी टेक्स्ट दे देते थे वो उसका टेक्स्ट चेंज कर देता था। फिर हमने बटन की आगे प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें बटन का क्लिक इवेंट होता है। क्लिक इवेंट में क्या करते हैं, क्लिक इवेंट में उसका एक जिस स्क्रिप्ट का हमने फंक्शन कॉल करना होता है उसका गेम ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, और उस गेम ऑब्जेक्ट का स्क्रिप्ट में वो वाला फंक्शन कॉल कर देते हैं। और स्क्रिप्ट में वो वाला फंक्शन जो हमने क्लिक में कॉल करना है वो पब्लिक होना चाहिए ताकि वो एक्सेसिबल हो स्क्रिप्ट के बाहर क्लिक फंक्शन को। दूसरा ये था कि हमने बटन में देखा हुआ था कि बटन को हम इंटरेक्टेबल भी कर सकते हैं और नॉन इंटरेक्टेबल भी कर सकते हैं। अगर इंटरेक्टेबल की हम वैल्यू को इंटरेक्टेबल जो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको अगर हम फॉल्स कर देंगे तो बटन क्लिकेबल नहीं रहेगा, और अगर इसको ट्रू कर देंगे तो बटन क्लिकेबल रहेगा। ये हम तब यूज़ कर सकते हैं कि हमने अगर बटन की फंक्शनैलिटी को आगे परफॉर्म नहीं करना चाहते तो हम उसके ज़रिए हम क्या कहते हैं इंटरेक्टेबल के ज़रिए इसको हम नॉन इंटरेक्टेबल और इंटरेक्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, आज जो हम इसमें कवर करेंगे वो है इमेजेस का, किस तरह हम कैनवस में एक इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कैनवस बनाते हैं। यहाँ यूआई में गया मैं, कैनवस में गया, ठीक है, यहाँ कैनवस को कर देता हूँ स्केल विद स्क्रीन साइज़ ताकि जितना कैनवस हो उसके हिसाब से अपनी स्क्रीन का साइज़ एडजस्ट कर दें। अच्छा, बटन वगैरह तो हमें लगाने आ गए थे, इसी तरह सेम जिस तरह बटन टेक्स्ट वगैरह लगाते हैं इसी तरह हमें इमेज लगानी पड़ती है। यहाँ यूआई में जाके इमेज में क्लिक कर दें, ठीक है, यहाँ एक इमेज आ जाएगी। सोर्स इमेज में आप ये सोर्स इमेज की प्रॉपर्टी, एक सोर्स इमेज, एक कलर। अभी सबसे पहले सोर्स इमेज में हम यहाँ कोई इमेज पास कर सकते हैं, वो वाली पीएनजी जेपीजीज वगैरह जो हम स्प्राइट रेंडर में पास करते हैं इमेजेस, वही वाली इमेजेस पास होगी और उसी की टाइप वही होनी चाहिए जो स्प्राइट 2D एंड यूआई होती है। ठीक है, ये वाली टाइप पास हो सकती है उसमें, और अगर किसी की डिफ़ॉल्ट टाइप हो तो आपने अगर उसको पास करना है तो आप उसको स्प्राइट 2D एंड यूआई करके अप्लाई कर दें ताकि ये वाली इमेजेस पास हो जाए। तो समझिए अगर मैंने ये वाली इमेज पास कर दी है, करनी है मार्स वाली, तो ये मैं सोर्स इमेज में सिर्फ इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब ये मेरी इमेज ऐड होगी, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना इमेज की, ये काफ़ी सिमिलर है स्प्राइट रेंडर से। अब इसके कलर में आ जाए, कलर आप इसका कोई इन्हेंस करना चाहे तो ये कलर यहाँ से इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये इसके बाद ना इमेज टाइप होती है, जिस तरह हमारे पास स्प्राइट रेंडर में इमेज टाइप थी ना, एक इसमें सिंपल है स्लाइस्ड और टाइल्ड। इसमें स्लाइस और टाइल ना वो नहीं करती, वो नहीं करती, इसमें यूज़ नहीं होती। तो इसमें एक चौथी नई टाइप डाली है, वो फील्ड है। ठीक है, वो हम आगे डिस्कशन करते हैं अभी कि इसकी चौथी फील्ड का क्या यूज़ है, क्या रोल है इसमें और क्या ये करता है, तो पहले उसको हम बाद में इसको डिस्कशन करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम नीचे आते हैं, इधर लिखा हुआ है सेट नेटिव साइज़। सेट नेटिव साइज़ का मतलब होता है जितना इमेज का ओरिजिनल साइज़ है ना उतना कर दे इस इमेज का साइज़, जो ये इमेज का यूआई कंपोनेंट का साइज़ है। अगर मैं सेट नेटिव साइज़ कर दूंगा ना तो जितना इमेज का असल साइज़ था ना 128x128, वो इधर भी 128x128 आ जाएगा। समझिए अगर मैं ये एक गर्ल की तस्वीर डालता हूँ, ये गर्ल की तस्वीर का साइज़ 512x512 है। ठीक है, लेकिन अब ये तो छोटा है उससे, तो अगर मैं सेट नेटिव साइज़ कर दूंगा ना तो ये जितनी इसकी ओरिजिनल साइज़ था ना इमेज का, वो उसका उसको यहाँ सेट कर देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ दोबारा मैं मार्स की तस्वीर ले आता हूँ और इसको मैं सेट नेटिव साइज़ कर देता हूँ, तो जितनी वो उसके तस्वीर का असल साइज़ था वो उसको इतना सेट कर देगा। ठीक है, बाकी कंपोनेंट्स ये वही है। अगर मैंने इस इमेज को समझे यहाँ लगाना है, ये यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं कर इसको अलाइन कर दे, इसको फिर एंकर सेट कर लेते हैं, किस तरफ इसका एंकर होना चाहिए, इसका टॉप मिडल में होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने इसका एंकर यहाँ सेट कर दिया। ठीक है, अच्छा,
अब ये इमेज सेट हो गई। अब अच्छा, एक तो इमेज की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर आपने इमेज इसको इसकी अब टाइप को, मैं जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि इसकी टाइप एक फील्ड होती है, वो क्या होता है इमेज की एक, इसमें ना ये यूआई इमेज, इसमें एक टाइप होती है फील्ड। फील्ड का मतलब होता है कि ना एक ना इमेज को ना हम वो दे देते हैं परसेंटेज के हिसाब से। जैसे अगर मेरी ये कोई इमेज है, ठीक है, इसको ना इसकी फील्ड अमाउंट होगी। फील्ड अमाउंट मतलब 0 से 1 तक एक फील्ड अमाउंट की रेंज होगी, ठीक है। अगर 0 से 1 तक, अगर समझे 0.5 होती है इमेज, ठीक है, तो 50% इमेज शो होगी, बाकी शो नहीं होगी, ठीक है। फिल 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 एक तरह की 50% इमेज फिल हुई होगी, वही 50% इमेज शो हो रही होगी। अगर 0 से 1 तक इसकी रेंज होती है, और अगर इमेज के 0.3 कर लूँगा तो इसका तो 30%, तो ये 30% इमेज यहाँ रहेगी, ठीक है। ये मैं यहाँ इसको कर, 1 का मतलब पूरी इमेज शो होगी, 0 का मतलब कोई इमेज शो नहीं होगी, 0.7 का मतलब 70%, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको इमेज की टाइप फील्ड करनी पड़ती है यहाँ। अच्छा, अब ये फील्ड मेथड है इस, यहाँ अब आपके पास ऑप्शन होती है कि आपने किस डायरेक्शन में इसको फील्ड करना है। अगर हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल में फील्ड होगी। अगर मैं इसको करके दिखाता हूँ, अभी मैं इसको हॉरिजॉन्टल रखता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए फिल अमाउंट, ये ओरिजन है, ये लेफ्ट टू राइट, ये भी मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले फिल अमाउंट में जाते हैं। 1 का मतलब पूरी फिल है। अगर मैं कम करता जाऊँगा 0.8, 80% शो होगी। 0.2 करूँगा 20% इमेज शो होगी, और 0.5 शो करूँगा 50% इमेज शो होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये फिल्ड अमाउंट है, देखें फिल्ड अमाउंट, फिल मेथड में अगर वर्टिकल कर दूंगा ना, तो ये वर्टिकल तौर पे वर्टिकल की शेप में ये शो होगी, ठीक है। अगर इसकी फिल अमाउंट को 90 डिग्री कर दूंगा, तो ये 90 डिग्री के एंगल से वो करेगी फिल अपने आप को। और अगर मैं इसको 180 कर देता हूँ, 180 के एंगल से ये अपने आप को शो करेगी, ठीक है। और अगर मैं इसको 360 कर देता हूँ, तो ये 360 के तौर पर ये शो करेगी, ठीक है। अच्छा, ये इसको आपके नीचे प्रॉपर्टी भी होती है कि कहाँ से जाना है, बॉटम से जाना है, राइट से जाना है, टॉप से जाना है। अगर टॉप से जाना है तो ये टॉप से करेगी, ठीक है। अच्छा, ये क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज जाना है, तो क्लॉक वाइज को आप अनचेक कर दे तो ये एंटी क्लॉक वाइज जाने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह की इस्तेमाल होती है इसमें। अगर मैं एक और इसमें ले लूँ, समझे, मैं ये नीचे लोडिंग वाला एक बना लेता हूँ, इसके नीचे एक और इमेज ले लेते हैं, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या होता है, ठीक है, इसका हम पहले यूज़ देख लेते हैं। गेमों में काफ़ी आपने देखा होगा, अगर किसी ने टाइमर चलाना हो गेम के अंदर, तो इसको 360 करके आहिस्ता आहिस्ता टाइमर की वैल्यू कम करता जाए, तो जो गेम का टाइमर नहीं होता, वो इस तरह एज अ क्लॉक चल रहा होगा, ये टाइम खत्म हो रहा है गेम का, ठीक है। नीचे का वाली एग्जाम्पल इस तरह हो सकती है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल कर दूँ इसकी मेथड को, और लोडिंग स्क्रीन बना दूँ इसको, तो ये लोडिंग गेम की हो रही है, ठीक है। अच्छा, मैं तो इसको यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं इसको स्क्रिप्ट से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो हम स्क्रिप्ट से कंट्रोल करने वाला चेक करते हैं। यहाँ मैं अगर मेन कैमरे में एक सैम्पल स्क्रिप्ट ले लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे ये, अगर इस समझे मैंने इस इमेज को कंट्रोल करना है, ठीक है, तो ये जैसे ये एज अ लोडिंग भी यूज़ हो सकती है, प्लेयर की हेल्थ भी यूज हो सकती है, काफ़ी इसमें यूज़ हम कर सकते हैं। और ये ऐसा कोई टाइमर जो गेम में आप रखना चाहें इसको रख सकते हैं। तो समझे मैं अगर इसको रखता हूँ, ठीक है, इस इमेज को लेना पड़ेगा मुझे, तो इसका मतलब इसका एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक इमेज का कंपोनेंट ले लूँगा सबसे पहले, लेकिन मेरी यूआई यूनिटी इंजन डॉट यूआई वो होनी चाहिए, यूजिंग इंसर्ट होनी चाहिए इसमें, लाइब्रेरी कॉल होनी चाहिए, ठीक है। मैं कर लेता हूँ इसको लोडिंग बार, ठीक है, और इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये इधर इधर आएगा, ठीक है। अब यहाँ मैं इसको इस इमेज को यहाँ ऐड कर देता हूँ, इसका नाम है लोडिंग बार कर देता हूँ वैसे, ताकि आसान भी रहे हमारे लिए, ठीक है। इमेज की टाइप है ना, तो मैंने इसको ये वाला लोडिंग बार दे दिया यहाँ, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं ये अगर किसी का मैंने वो चेंज करना हो फिल अमाउंट, तो मैं ट्रैक चेंज कर दूंगा लोडिंग बार डॉट फिल अमाउंट, क्योंकि ये इमेज की प्रॉपर्टीज में से ये एक्सेसिबल होती है। तो इसको 0 और 1 के अंदर रख सकता हूँ। अगर मैंने 50% करना, तो मैं 0.5F कर दूंगा, तो इसका मतलब वो 50% इमेज वो शो होगी। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है, तो ये 50% इमेज शो होने लग जाएगी।
ठीक है इसको। अच्छा मैं कोरूटीन से भी चला सकता हूँ। अब अगर तो मैं इसको यहाँ कोरूटीन से चला सकता हूँ तो इसका आगे आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर प्लेयर को कोई शूट उसके हेल्थ इफेक्ट हो रही है तो हेल्थ किस तरह उसकी कम हो सकती है। तो अगर मैं एक वेरिएबल इसको मैं कोरूटीन में चलाऊंगा, लेकिन आज जब अगर कोई गेम बनाएगा तो ये उस वक्त हेल्थ की वैल्यू कम होनी चाहिए जब कोई कोई उस पर गोली वगैरह या कोई इसको अफेक्ट हो, जिधर उसको अफेक्ट होना चाहिए वहाँ इसका इसकी फिल अमाउंट डिक्रीज होनी चाहिए। समझ ले मैं कर लेता हूँ फ्लोट, एक मैं हेल्थ ले लेता हूँ उसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 100, ठीक है। एक मैं फ्लोट ले लेता हूँ टोटल हेल्थ कि कितनी टोटल हेल्थ है यूज़र की, वो भी मैं 100 ले ली कि अभी इसका मतलब टोटल हेल्थ 100 है और जो हेल्थ इस वक्त करंट है वो 100 है। तो जब उसकी हेल्थ कम होती जाएगी तो जो हेल्थ वाला वेरिएबल है उसको डिक्रीज करते जाएंगे। तो मैं एक वो कोरूटीन ना लेता हूँ इन्यूमरेटर डिक्रीज हेल्थ, ठीक है। मैं इसको लूप को चला लेता हूँ 10 दफ़ा चला लेता हूँ, 10 दफ़ा तक 10-10% वो हेल्थ को कम करते हैं। तो ये लूप 10 दफ़ा चलेगा और ये हेल्थ को हेल्थ में 10 का डिक्रीमेंट करेगा। और उसके बाद इमेज का फिल अमाउंट हमने लगाना है। तो मैंने लोडिंग बार लिया मैंने एक, उसको फिल अमाउंट इक्वल्स टू, अच्छा मैं डायरेक्ट हेल्थ नहीं लिख सकता, हेल्थ की वैल्यू क्या 90, ठीक है ना। तो 90 तो हमेशा फिर 1 ही रहेगा, क्योंकि अगर आप इसकी वैल्यू को 0 से 1 से ऊपर भी देंगे ना तो ये एज अ 1 ही कंसीडर होगा। अगर मैं यहाँ 90 दे दूंगा तो ये 1 ही कंसीडर होगा। तो मुझे तो चाहिए था 0.9 या 0.9 0.8 के करीब वैल्यू चाहिए जितनी उसकी होनी चाहिए। तो सिंपल इसका यही फॉर्मूला है, अगर हेल्थ उसकी 70 है उसको आप डिवाइडेड बाई 100 कर दें तो क्या आता है 0.7, ठीक है। तो ये 0.7 ऑटोमेटिक इसमें लग जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, हेल्थ डिवाइडेड बाय टोटल हेल्थ, तो जो इनका आएगा जितनी हेल्थ, अगर 50 हेल्थ है तो 50 डिवाइड बाई 100 0.5, तो ऑटोमेटिक फिल अमाउंट 0.5 हो जाएगी, ठीक है। ये करके मैं यहाँ लगा लेता हूँ यील्ड रिटर्न न्यू वेट फॉर सेकेंड, मैं एक एक सेकंड का वेट लगा लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको कोरूटीन को कॉल कर देता हूँ, यहाँ स्टार्ट कोरूटीन डिक्रीज हेल्थ, ठीक है। अच्छा मैं चाहूँ इसको बटन से भी कर सकते हैं, हम बटन लगा लेते ताकि इसमें सारा बटन भी कवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं एक मिनट बटन लगाता हूँ, यूआई में गया, बटन में गया, यहाँ मैंने बटन लगा देता हूँ, इसको बटन का एंकर कर देता हूँ मिडल सेंटर, ठीक है ये पहली सी है। और यहाँ मैं इसको लगा देता हूँ, इसका टेक्स्ट कर देता हूँ स्टार्ट, स्टार्ट का एक बटन बना देते हैं, ठीक है। और इस बटन को नाम देता हूँ स्टार्ट बटन, ठीक है। अच्छा अभी इसका इसका इवेंट भी कर लेते हैं, इसमें क्या हो वॉइड स्टार्ट को रूटीन का एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। इसको इसके अंदर ना पैरामीटर बटन का ही ले लेते हैं, ठीक है। जब कोरूटीन स्टार्ट हो जाए तो बटन डॉट इंटरेक्टेबल फॉल्स हो जाए, ठीक है, बटन चलने वाला ना हो, चलने लायक ना रहा हो। और स्टार्ट कोरूटीन करते हैं डिक्रीज हेल्थ वाली कोरूटीन को हम स्टार्ट कर देते हैं, और इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ ताकि ये बाहर एक्सेसिबल रहे, ठीक है। तो अब हम बाहर आते हैं, अच्छा अब मैं यहाँ क्लिक में प्लस कर का साइन देता हूँ और ये मेन कैमरा पास कर देता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा सैम्पल स्क्रिप्ट लगा हुआ है। सैम्पल स्क्रिप्ट में जाके ये स्टार्ट को रूटीन, अब ये एक बटन का इवेंट ले रहा है, बटन का पैरामीटर ले रहा है, तो मैंने अपना ये वाला बटन पास कर दिया। तो अब क्या होगा, जब मैं बटन में क्लिक करूँगा तो ये वाला बटन इंटेक्टेबल फॉल्स हो जाएगा और ये को रूटीन डिक्रीज हेल्थ की चला देगा। डिक्रीज हेल्थ क्या करेगा, हेल्थ में 10 तक चलेगा और -10 का डिक्रीमेंट हेल्थ के अंदर करता जाएगा और जितनी हेल्थ है टोटल उसे डिवाइड करके उसकी फिल अमाउंट करता रहेगा। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना, हर एक एक सेकंड बाद 10% उसकी हेल्थ डिक्रीज होने लग गई है। तो ये तो मैंने यहाँ इस तरह की है, लेकिन जब हम गेम में होते हैं तो गेम में अब आपकी फंक्शनैलिटी होती है कि आपका प्लेयर कब मरने वाला है और कब आपने सीन लोड करना है, तो लोडिंग स्क्रीन लगा दो, क्या पैनल खोलो, लोडिंग की बार शो कर दो, या कोई पावर लोड हो रही है तो उसकी पावर हम इसमें शो कर सकते हैं। तो ये फिल अमाउंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है गेम के अंदर। किसी ने टाइमर चलाना है तो ये जिस तरह ये इमेज है इसकी फिल अमाउंट टाइमर से कम ख़त्म कर सकते हैं हम, कि इतना गेम का टाइमर रह गया। तो ये अब आपकी गेम पे जो डिपेंड होता है, लेकिन इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ है, या आपको फ़ायदा भी देगा गेम के अंदर कि आप यूज़र को एक तरह का पता चलता रहता है कि कितना उसका स्टैट, कितना उसका कंप्लीट हो गया, कितनी लोडिंग उसकी रह गई है, या प्लेयर की हेल्थ कितनी रह गई, उसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है इसके ज़रिए।
यही था आज का टॉपिक इमेज इसका, तो इसको आप ट्राई करके देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।